नगर की 12 वर्षीय छात्रा सुमरन कोटारिया ने कराटे में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। सुमरन की सफलता से सभी ने बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों मुंबई में आयोजित इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में ज्ञानवेली भोपाल में अध्ययनरत नगर की कक्षा 8वीं की छात्रा ने ये उपलब्धि हासिल की है। सुमरन की इस सफलता के लिए पिता अनोखी लाल व माता श्रीमती रेखा देवी का पूर्ण सहयोग रहा है। वे बताती हैं कि उसने मात्र एक माह ट्रेनिंग की है, जिसे ट्रेनिंग कोच लखन कुमार ने दी है। उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि फाइनल मैच 2 राउंड में हुआ, जिसमें भोपाल की खिलाड़ी व श्रीलंका की दूसरी खिलाड़ी को हराकर रजत पदक व गोल्ड पदक प्राप्त किया। अपनी इस उपलब्धि पर सुमरन बताती है कि ये सुमरन का पहला मैच था। इसमें अकेले एमपी से 70 बच्चे प्रतियोगिता में शामिल हुए, जिसमें सुमरन ने अपने स्कूल परिवार और नगर का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर स्थानीय बस स्टैंड पर नगर के वरिष्ठ नागरिकों ने सुमरन के प्रथम आने पर नगर आगमन पर ढोल नगाड़े के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर के नायब तहसीलदार विकास रघुवंशी ने सुमरन के घर पहुंचकर शुभकामनाएं दी तथा उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यथासंभव बच्ची के लिए जो भी संभव होगा वह उपलब्ध कराया जाएगा। इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया तथा भविष्य में सुमरन मध्य प्रदेश के लिए प्रतियोगिता में भाग ले, इसके लिए सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया। शुभकामनाएं देने वालों में दीपक जागीरदार, श्याम बाबू दांगी, अवधेश चंद्रवत, रविन्द्र मीना, भंवर सिंह उमट, दीपक सक्सेना, रविन्द्र शर्मा, लक्ष्मी नारायण पचवारिया, दिनेश गुप्ता, कैलाश बागरी सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मेरा नाम सुमन कोटिया है। मेरे पापा का नाम मिस्टर अनोखीलाल कोटिया है। मैं ज्ञानवेली की छात्र हूँ। मेरे कोच का नाम लखन कुमार सर हैं। मैं कराटे में बॉम्बे गई थी इंटरनेशनल लड़ने के लिए, जिसमें मुझे गोल्ड और सिल्वर मिला है। मेरी फाइट 2 लड़कियों के साथ हुई थी जो भोपाल और श्रीलंका की थी, उनके कारण मुझे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पापा ने मुझे वहाँ जाने दिया। मुझे एक गर्ल हो के भी वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पापा ने मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वहाँ जा के खेलूँ। ये एक बच्ची जीत कर आई है अभी कराटे में, और ये प्राइवेट स्कूल के तौर पर गए थे, इनका इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन था प्राइवेट स्कूल्स का, तो उसमें इन्होंने गोल्ड हासिल किया, तो एक कुरावर के लिए मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने छोटी जगह से इतने बड़े इवेंट में आप कोई मेडल जीत रहे, तो उसमें बहुत अच्छे एफर्ट्स किए इन्होंने, और ये स्कूल की तरफ से पूरी की पूरी इसमें सहभागिता की थी इन्होंने। मैं चाहूँगा कि DSO से बात करके, जिला खेल अधिकारी के बात करके, कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से हम क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग कैंप्स जो चल रहे हैं वहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या कैटेगरीज रहती हैं, तो इनको एक्चुअली उनसे मिलाना है, जैसे कि बेहतर तरीके से तालमेल होकर ये अगर मध्य प्रदेश की तरफ से खेलती हैं तो मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी। आर्ट इंडिया न्यूज़ के लिए राजगढ़ से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट।